इस चिल्लाती गर्मियों में सूरज यहाँ फिर से है। ये तेज गर्मी में बाहर कदम रखना असंभव के समान हो जाता है और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं हीट स्ट्रोक के कारण। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप हेल्दी हो या ना हो, अगर इस धूप में बाहर कोई भी निकलेगा उसे सनस्ट्रोक तो होना ही है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इन्हीं सनस्ट्रोक्स पे और इनसे कैसे बचा जाए वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। पर दोस्तों अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। व्हाट एग्जैक्टली इज हीट स्ट्रोक? ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां आपकी बॉडी ओवरहीट हो जाती है और फिर थर्मो सेटिंग भी आपका इम्बैलेंस हो जाता है। ये तब होने लगता है जब आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होने लगता है, जो ब्रेन और इंटरनल ऑर्गन्स को इरेगुलर डैमेज भी कर दे सकता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक? एक्सेसिव स्वेटिंग, डिजीनेस, नौसिया, वीकनेस, हाई बॉडी टेम्परेचर। हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम हीट स्ट्रोक? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। आपको काफी ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए जिसका आपके बॉडी में मौजूद लिक्विड हमेशा बरकरार रहे और डिहाइड्रेशन ना हो। रॉ मैंगोस। ये सूदिंग और रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक आपके शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। कच्चे आम और स्पाइसेस जैसे कि काली मिर्च और काले नमक के साथ इसे बनाया जाता है। ये आपके शरीर के इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। इस ड्रिंक का सेवन दिन में कम से कम दो बार करें। एप्पल सिडर विनेगर। एक टीस्पून एप्पल सिडर विनेगर का एक ठंडे पानी के एक ग्लास में डालें और फिर उसमें दो बूंद हनी मिला दें। इस ड्रिंक को पीने से आप अपने शरीर के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट को फिर से ला पाएंगे। बटर मिल्क। बटर मिल्क जिसे छाछ के नाम से भी जाना जाता है, वो मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होती है जो आपके शरीर के टेम्परेचर्स को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। ये स्वादिष्ट समर ड्रिंक आपके दोपहर को और रात के खाने के बाद पीने के लिए बहुत सही है। ऑनियन जूस। जब आप हीट स्ट्रोक की वजह से शरीर के हाई टेम्परेचर से जूझ रहे होते हैं तो कान के पीछे या पैरों के नीचे और छाती पर प्याज का रस लगाने से लक्षणों को दूर करने में मदद मिलती है। तो ये थे सनस्ट्रोक से रिलेटेड कुछ बातें। हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि आप सनस्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं। तो अगर आप धूप में बाहर निकलना चाहते हो तो ये सब सिम्टम्स को जरूर ध्यान में रखें और आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।